वेल हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट ब्रांड्स फॉर एंटी डैंड्रफ शैम्पूस। वो कौन से ब्रांड्स हैं जिनसे आप अपने बालों की जो डैंड्रफ आ रही है खासकर इस विंटर सीजन में उससे निजात पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए चार कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी नंबर वन वो रहेगी जिसमें मैं आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप एक ऐसे बंदे जिनको ड्राइनेस देखने को मिलती है एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने के बाद, तो ये वो ब्रांड्स रहेंगे जिनसे आपकी मदद रहेगी। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपके जो बाल हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और आपका डैंड्रफ भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला रहेगा। यहाँ पे ऐसे मैंने आपके लिए ब्रांड्स निकाले जो कि बिल्कुल भी किसी केमिकल के साथ नहीं आते। नंबर थ्री पे आते हैं वो लोग जिनको कोई भी फायदा नहीं होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, उनके जो डैंड्रफ है वैसे का वैसे ही रहता है, तो ऐसे ब्रांड्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर आप इन शैम्पूस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके डैंड्रफ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। एंड नंबर फोर, आपके लिए वो ब्रांड्स मैं लेके आया हूँ जहाँ पे आपके केमिकली ट्रीटेड अगर बाल हैं यानी कि कलर्ड बाल हैं, तो आपका डैंड्रफ तो जाएगा ही जाएगा, आपका बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपके कलर को कोई नुकसान नहीं होगा। एंड साथ के साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अब कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया जाता है डैंड्रफ को ट्रीट करने में। कीटोकोनाजोल कहते हैं दोस्तों इस मॉलिक्यूल को, और कीटोकोनाजोल आपके फ्लेकीनेस और डैंड्रफ जो होता है जिसे हम हिंदी भाषा में रूसी कहते हैं उसे हटाने का काम करता है वाकई में काफी अच्छी तरह से। अभी डैंड्रफ होता क्यों है? डैंड्रफ होता है मलेशिया फंगस के कारण, जो कि एक फंगस होता है जो कि स्प्रेड आउट होता रहता है, मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ये आपके पूरे स्कैल्प में स्प्रेड आउट हो जाता है। और स्प्रेड होता क्यों है? बिकॉज ये आपके कुछ लाइफ स्टाइल के कारण, जैसे आप खाते हैं, जैसे आप सोते हैं, गंदगी की वजह से, गंक की वजह से, एंड कुछ कुछ केसेस में ये जेनेटिक्स भी होता है। तो आपके हाथ में है इसकी रोकथाम करना, एग्जैक्टली आप वही करने वाले हैं आज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारा पहला ब्रांड कौन सा है वो जिसमें आपको मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, विच कम्स अंडर फर्स्ट कैटेगरी। सो इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों आप डव का एक डर्मा केयर के ऑप्शन आता है, बहुत ही अच्छा शैम्पू रहता है। इसमें आपको कीटोकोनाजोल के साथ कोकोशिया बटर देखने को मिलता है। नो, मैंने जैसे कि बताया कीटोकोनाजोल एक मॉलिक्यूल होता है जो कि आपकी डैंड्रफ को हटाता है खासकर मलेशिया फंगस को, एंड इसमें आपको क्योंकि कीटोकोनाजोल बहुत ज्यादा ड्राई कर सकता है आपके बालों को, तो यहाँ पे आपको कोकोआ बटर का एक्सट्रैक्ट भी देखने को मिलता है जिससे आपके बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। सो इफ यू आर समवन जिनके काफी ज्यादा डैंड्रफ हो रखी है और मीडियम है अभी, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप डव का डर्मल केयर शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारी दूसरी कैटेगरी आती है वो शैम्पूज जिसमें आपको कोई भी केमिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छे तरह से डैंड्रफ को हटाते हैं। तो यहाँ पे आप नीम का एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है जिसका नाम है नीम नेचुरल्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको नीम, तुलसी, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, आंवला इनफैक्ट देखने को मिलता है जो कि अच्छी तरह से आपके डैंड्रफ में काम करता है, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज है काफी ज्यादा सूदिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। सो अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शैम्पू में, या फिर आपको मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ हम सबके प्यारे न्यारे बाबा जी का जिनका नाम है रामदेव बाबा, और उनका एक ब्रांड का शैम्पू का नाम है दोस्तों केश कांति। आई एम प्रीटी श्योर आपके पापा या मम्मी ने यूज किया ही होगा इस ब्रांड के शैम्पू को, काफी पॉपुलर शैम्पू है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अभी आपको शिकाकाई देखने को मिल जाएगा, आंवला देखने को मिलेगा, इसमें आपको नीम, तुलसी, नीलगिरी, शिकाकाई, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, और ये भी एक ऐसा शैम्पू है जिसमें आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसके अंडर वो ब्रांड्स आते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सीवियर अगर डैंड्रफ है तो ये शैम्पू आपको यूज करने हैं। सबसे पहला ब्रांड आता है इसके अंडर नोवेल का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ आपको कीटोकोनाजोल का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा बल्कि कोलटार के साथ सैलिसिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा। कोलटार एंड सैलिसिलिक एसिड काफी अच्छे एक्सफोलिएंट का काम करता है, मतलब ये डेट जो पपड़ी जम जाती है उसको हटाने का काम करता है और मलेशिया फंगस की स्प्रेडिंग को रोकता है, खासकर जो फंगस के कारण आपका डैंड्रफ हो रहा है उसकी स्प्रेडिंग को रोकता है खासकर कोलटार। एंड जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक तरह का BHA है जो कि आपका एक्सफोलिएंट का काम करता है, जो कि पपड़ी जम रही है आपके डैंड्रफ की वजह से उसको हटाने का काम करता है। साथ के साथ ही कीटोकोनाजोल आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, तो ये तीन चीज आपको देखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर ब्रांड में। नाउ दूसरा ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो आप न्यूट्रीजीनिया का टी सेल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी आपको तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे।